आज का वेदर बहुत सही लग रहा है। बैंगलोर तो पहले जैसा ठंडा ही है हमेशा। मैं तो वाट लगा दिए पूरी बारिश, पानी भर जाता है इधर मुंबई जैसा। पानी अंदर जा रहा है वो इसके टायर पाइप के अंदर, तो उसके लिए गाड़ी रिक्शा बंद हो रहा है। पूरा वाट लग गया है, मैं बाउंस लेके आया था और मतलब रिक्शा बहुत बीच में बंद हो रहा था क्योंकि वो पानी घुस रहा था पाइप के अंदर। सो एक बाजू से कार आया, उससे पूरा पानी उड़ा है और मैं लंकी नहीं बच गया क्योंकि मेरे बाजू में वो कर्टन लगाया हुआ था। अगर इधर पूरा मतलब मुंबई जैसा पानी भरता है इधर थोड़ा ही बारिश गिरा, क्योंकि एक घंटे से बारिश गिर रहा है और पूरा रोड्स फ्लडेड है, मतलब बहुत ही गंदा पानी भर गया। ओके हम लोग अबे इधर से बंद है बे, हम लोग कॉलेज में घुस गए हमारे पुराने वाले कॉलेज में दत्ता मैके में। कोई कुछ पूछ रहा नहीं आईडी के। तो इधर हम लोग का मतलब कैंटीन हुआ करता था पहले और इधर हम लोग फ्रूट जूस पीते थे मैं याद है। और ये जेरोक्स सेंटर है इधर। कैसे हो? कैसे हो भाई? इधर अभी नया बिल्डिंग बन रहा है, इधर पहले आगे ग्राउंड था और इधर मतलब फुटबॉल और वैसे पार्किंग था मोस्टली। इधर से जगह था अंदर जाने के लिए और उधर से ओल्ड बिल्डिंग के लिए रास्ता था, ये पूरा अभी खोद के रख दिया। इधर जंप करके आते थे और नीचे वर्कशॉप था, नहीं सॉरी वर्कशॉप इधर था ऊपर। ये मेन एंट्रेंस है और ये वर्कशॉप है। ये हम लोग का फर्स्ट ईयर था इंजीनियरिंग में, जो वर्कशॉप मतलब हम लोग को वर्कशॉप करने के लिए वो सब्जेक्ट था। कौन सा सब्जेक्ट था? इसलिए फर्स्ट ईयर में था सर। हाँ क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन सब्जेक्ट होता है, सब सब्जेक्ट होता है सर। और ये ओल्ड बिल्डिंग है, प्रैक्टिकल्स होता था इधर, मतलब अभी पता नहीं होता है कि नहीं, अभी भी होता ही रहेगा। अच्छा ये नया बिल्डिंग बन रहा है। ओके सर ये लाइब्रेरी था, यही था लाइब्रेरी, इसका सब कुछ सुनो होता। अबे इधर तो कुछ तो था ना, आई कार्ड मिलता था। हाँ आई कार्ड मिलता था। हम लोग को इधर लाइन लगाना पड़ता था उधर, इधर 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 मार्कशीट लेने के लिए। हाँ पूरा ये तोड़ दिया, नहीं तो ये पूरा मतलब इधर ही सब होता था, प्रैक्टिकल्स इधर होता था, फिजिक्स का केमिस्ट्री का इधर प्रैक्टिकल होता था और फिर ऊपर उधर हम लोग को मार्कशीट मिलता था, इधर हम लोग को फीस भरना पड़ता था। रैगिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। हम लोग पर ये कॉलेज में हम लोग ने कभी हमारे जूनियर्स को नहीं देखा, सीनियर्स को नहीं देखा, और जानते चले उतना था ही नहीं, तो रैगिंग का तो सवाल ही नहीं था। पता है ना यहाँ पे अपनी याद रखते थे, फिर वो घिसते थे ऐसे ऐसे। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे नहीं मिले थे। हाँ इधर इधर बैठे थे। कोई है नहीं वैसा, ऐसा लग रहा है अपन अबैंडन जगह पे है। तो हम लोग का फिफ्थ फ्लोर पे रहता था ना, फिफ्थ फ्लोर पे ना हम लोग का मोस्टली चढ़ के जाते थे कभी कभी क्योंकि बहुत भीड़ रहता था। बैडमिंटन कोर्ट। हाँ बैडमिंटन कोर्ट इधर ही है। एडमिशन्स होने के टाइम पे इधर एडमिशन्स के लिए आए थे हम लोग, पहले सब लोग इधर बैठते थे। ये बैडमिंटन कोर्ट है, एक बार ही खेले हम लोग इधर। हम लोग कितना फ्लोर का, 11 फ्लोर का ना, ये लिफ्ट है बंद हो गया, फिफ्थ फ्लोर। तो हम लोग अभी सिक्स फ्लोर पे आते हैं। एक बार हम लोग इधर अड़के थे लिफ्ट में स्टार्टिंग में, डायरेक्ट टेरेस पहुंच गए। हाँ डायरेक्ट टेरेस पे चले गए थे हम लोग। अबे इधर तो आए थे ना अपन फोटो निकालने के लिए वो लास्ट। हाँ भाई इधर पूरा मस्त आयरोली दिखता है। इधर हाँ ये वो वाले ग्राउंड में हम लोग उधर एसेंचर के इधर गए थे स्टार्टिंग में। हम लोग को लगा नहीं था हम लोग वो भी कंपनी में लगेंगे कि नहीं। जैसे हम आज घुसे वैसे हम फर्स्ट ईयर में। हाँ फर्स्ट ईयर में उधर घुसे थे। हाँ वैसे घुसे। और इधर हम लोग ने प्रोजेक्ट ढापा था फर्स्ट फ्लोर में, मुंबई अकेडमी उधर। और वे उधर नीचे बुक स्टोर है जिधर से मतलब सारे सिलेबस के बुक्स हम लोग सब लोग उधर से खरीदते थे। और स्टेशन का रास्ता ये है तो उधर से सीधा जाएंगे तो उधर स्टेशन आता है उससे। तो इधर हम लोग का क्लासरूम इधर अंदर था। हाँ डिजिटल सिग्नल हम लोग ये लाइन में बहुत मिस्टर बीन देखा। हाँ ये हमारा क्लासरूम है। हाँ 605 CO है मैथ। एचडी पांडे सर, प्रमोल पांडे सर। यहाँ पे डिफॉल्टर्स लिस्ट और वो मार्क्स का भी लगता था, परसेंटेज उधर लगता था सर। पर ये हम लोग डिफॉल्टर्स लिस्ट देखते नहीं थे, हमें पता है हम डिफॉल्टर पे आने वाले। सबके सामने डिस्प्ले होता था कि किसको कितना आया, मतलब वो 3 इयर्स में देखा रहेगा तुम लोगों ने रैंचो का कैसे सीन होता है वैसे हम लोग का होता। ये हम लोग एचओडी का है। यहाँ पे हम लोग 4G में बहुत बार गए। क्यों बताओ
क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट हेड थे ये, अभी सब बंद है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्लासरूम के, वरना क्लासरूम ऊपर से दिखा सकता हूँ ना, ऊपर से दिखेगा कि नहीं पता नहीं, ऐसा क्लासरूम पर। और इधर ये वाटर कूलर है जहाँ पे पानी पीते थे, यहाँ पे स्टाफ बैठता था तो जो असाइनमेंट चेक होता था तो हम लोग इधर आना पड़ता था, इधर सब टीचर्स बैठते थे। ये सब ऐसे कैसे ही है, सब सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये मेरा, हाँ तो मैं तुम लोग को बताया नहीं कौन सा कॉलेज था, तो ये मेरा फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कॉलेज था ये मेरा। 2014 से लेकर 2018 तक ये हमारा बैच था। ये एरोली में सिचुएटेड है, तो नवी मुंबई, मतलब मुंबई में नहीं है, नवी मुंबई में, एरोली काइंड ऑफ एक टेक हब भी माना जाता है, या फिर इधर बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी है। तो जैसे कि तुम लोग इधर से देख सकते हो, इधर उधर एसेंचर है, वो साइड बहुत सारे कंपनीज है। जब भी मैं ये कॉलेज में था तभी मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था इतना, कैंटीन था पहले, अभी स्टेशनरी कर दी। मैंने पहली मेरी गाड़ी इधर ही ठोकी थी, ये गेट पे ठोका था मैंने, ये वाले डोर। तो इधर से पार्किंग दादा, तो ये जो है जगह, उधर एग्जाम का चीट्स मिलता था, तो मतलब वो बना के देता था, प्रिंट करके देता था, मतलब ऐसे छोटे वाले, इसमें वो मतलब तुम लोग एग्जाम में लेके जा सकते हो और चीट कर सकते हो। ये 6th फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, वॉल ऑफ फेम है, पर इधर कुछ था नहीं वैसे अभी भी खाली है।